वेलकम टू speedearning.com। मैं पंकज जैन बात कर रहा हूं इंडिया के टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में। इस सीरीज में आज हम बात शुरू करते हैं मोतीलाल ओसवाल के साथ। मोतीलाल ओसवाल स्टॉक ब्रोकिंग में सबसे बड़ा नाम है और कई चीजें हैं जो इस नाम को खास बनाती है। अभी इनका एमओ इन्वेस्टर ऐप आया है तो हम लोग उसको यहाँ पे पूरा एनालाइज कर रहे हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको बहुत फायदा देने वाली है। देखिए, मैं बात शुरू करता हूँ अपनी कहानी के साथ में कि जब मैं पिछले कई सालों से 18 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, इन्वेस्टमेंट जब मैं कर रहा था तो पहले मेरे 3-4 साल तो ऐसे ही गुजर गए। मुझे ऐसा लगता था कि क्या फर्क पड़ता है किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर लें। तो हमने 3-4 ब्रोकर चेंज करके इसके उसके साथ काम किया और काम करते करते कहीं पे हमको पता लग रहा है कि कोई सा भी स्टॉक अपने नॉलेज के हिसाब से हम उठाते जा रहे हैं या फिर उनका जो ऑपरेशन है, सपोर्ट है बैक ऑफिस का, वो ठीक नहीं है और छोटी मोटी बातों की वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बल्कि लॉस हो रहा है। तो वो 3-4 साल बर्बाद हो गए सिर्फ इस चीज की वजह से कि एक सही सपोर्ट नहीं था। तो वो सही सपोर्ट होना कितना जरूरी है वो हमको तब पता चला जब हमने एक अच्छे ब्रोकर के साथ में अकाउंट खुलवाया और उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो छोटी छोटी बातें जो आपके काम को, आपके डिसीजन को, आपके एग्जीक्यूशन को, सबको एकदम स्मूथ बनाती है। तो हमारे रिटर्न अच्छे होने लगे और धीरे 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 वो कहानी बहुत बड़ी बनती चली गई। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। अब यहां पे ये जो एमओ इन्वेस्टर ऐप आया है इसमें सारा मल्टी एसेट वॉचलिस्ट आपके सामने है, सारी एसेट आपको सामने दिखेगी, आप आसानी से कंपेयर कर पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि किसमें कितना पैसा डालना है, क्या आपका प्रॉपर एलोकेशन रहेगा। उसके बाद में ऑर्डर एग्जीक्यूशन बहुत क्विक है, आपको बाइंग या सेलिंग करना है तो इतनी आसानी से हो जाएगी कि दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो एक इन्वेस्टर का यह हाल है कि जब वो डिसीजन लेता है ना तो उसका दिमाग बड़ा डेलिकेट होता है, वो सोच रहा है ये चीज लूं कि नहीं लूं, इतने में प्राइस चेंज हो गई। ऐसे में अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट का मौका खो सकता है। तो ये बहुत मायने रखता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन बड़े आराम से आपका हो जाता है, गेट कोड पेज भी एनहेंस्ड है तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे मिलती है कि आपका जो भी डिसीजन होता है वो वेल इन्फॉर्म्ड होता है। हाँ, एक और खास बात पता क्या है कि आप कई बार ऐसा चाहते हैं कि आप यूएस की इक्विटी में भी पैसा लगाएं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आप पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि उन नामों ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर रखा है। हम फेसबुक, एप्पल, अमेजन इन सब का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल होगा आपको एमओ इन्वेस्टर ऐप की वजह से क्योंकि आप यूएस की इक्विटीज में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो है, इक्विटी की बात करें तो मॉडल पोर्टफोलियो बना के रखें जिनमें पैसा लगाना आपके लिए बड़ा आसान हो सकता है क्योंकि आपके पास हो सकता है समय की कमी हो, आपके पास हो सकता है थोड़ी समझ की कमी हो, समझ अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तब तक आपकी हैंड होल्डिंग करने के लिए एक काबिल, हमारे काबिल सपोर्ट चाहिए, एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जो हमारे अंदर का डर खत्म करता हो और हमको एक सही सजेशन देता हो। तो यहीं पे रोल आता है इनका आईएपी इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो, वो इतना अच्छा है कि लोग जैसे पीएमएस में पैसा लगाते हैं वहां 15-20% वो पैसा खर्च करते हैं, उससे कम में आपको सबसे अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। उतना पैसा तो हमको पे करने की भी जरूरत नहीं जितना सपोर्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है। स्टॉक की एसआईपी कर सकते हैं, देखिए अगर हम एक सही स्टॉक चुन लें बस, और उसमें मदद कहाँ से मिलेगी, अगर उसकी सारे सही स्टॉक्स का सजेशन मिल रहा है फिर आप उनके सारे डाटा फैक्ट फिगर्स वगैरह देख रहे हैं और आपको पता लग गया कि अलग अलग सेक्टर के 4 स्टॉक्स हैं जो हम लगातार एसआईपी कर सकते हैं। अब आपको स्टॉक तो चुन लेते हैं लेकिन आपके दिमाग में सवाल ये रहता है कि इसको यहाँ पे खरीदना है कि यहाँ से नीचे जाएगा, प्राइस कम तो नहीं होगी, या जब बढ़ गया तो ऐसा लगता है कि अब तो बहुत बढ़ चुका है अब नहीं लेंगे क्योंकि अब इससे ऊपर जाना तो शायद पॉसिबल नहीं है। इस चक्कर में मार्केट को टाइमिंग करते करते हम चूक जाते हैं। तो स्टॉक एसआईपी अगर आपने अपना ली मोतीलाल इन्वेस्टर ऐप की तो मजा आ जाएगा। एमओ इन्वेस्टर ऐप में आप स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं, आपने डिफाइन कर दिया ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टेट को जो भी प्राइस होगी लगातार खरीदी होती चली जाएगी, बाइंग होती चली जाएगी, तो आपका
जो कॉस्ट एवरेजिंग है वो इतना सही निकल के आएगा कि आपको रिटर्न भी अब वो एवरेज ही मिलने वाला है। तो इतना अच्छा रिटर्न अगर मिलता रहे तो फिर हमारा पर्पस पूरा होता है, क्योंकि आप जिस रास्ते भी चल रहे हो, ये बड़ा सवाल है कि कौन सी गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, कौन सा व्हीकल है जिसका आपने सहारा लिया है। तो एमओ इन्वेस्टर ऐप वही व्हीकल है, इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। आपको क्या करना है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका हिस्सा बनिए कुछ समय के लिए और देखिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर वो एक्सपीरियंस सही हुआ ना तो फिर आप सालों तक उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। म्यूचुअल फंड के लिए भी एक क्यूरेटेड एंड रेडीमेड पोर्टफोलियो है। तो म्यूचुअल फंड में मेरे साथ ये हुआ है कि म्यूचुअल फंड में मैं डायरेक्ट इक्विटी में था, म्यूचुअल फंड में जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन एक अच्छे एडवाइजर ने धीरे से शुरुआत करी। तो 20,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनते बनते काफी बड़ा हो गया। तो उसमें रोल किस चीज का था कि अगर हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमको शॉर्ट टर्म में कहीं एकदम झटका नहीं देता है, हमारे लिए शॉक लेके नहीं आता है, तो हम लगातार अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जर्नी कंटिन्यू होगी एमओ इन्वेस्टर ऐप के साथ में। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अभी जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, और मैं सिर्फ ये कहूंगा आपसे कि थोड़े दिन इस्तेमाल कीजिए, अगर ठीक लगता है तो आप कंटिन्यू करेंगे ही, और मुझे पता है ये ठीक लगने ही वाला है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।